इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोमा की कंपनी ने अपना एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर का नाम है कोमा की TN95। कोमा की ने इंडियन मार्केट में अपना लेटेस्ट 2023 वर्जन TN95 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे काफ़ी फीचर्स के साथ अपडेट किया है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1.31 लाख रुपीज़ रखी गई है और लॉन्ग रेंज वर्जन के लिए एक्सोरूम प्राइस 1.4 लाख रखी गई है। इस अपडेटेड TN95 ई स्कूटर में अब एंटी स्किड टेक्नोलॉजी और लिथियम आयरन फॉस्फेट ऐप बेस्ड स्मार्ट बैटरी दी गई है जो कि फायर रेजिस्टेंट है। मोटर और स्पीड और रेंज की बात करें तो कोमा की TN95 में पावर के लिए 5000 वाट हब मोटर दिया गया है, ये 5 किलोवाट का है और रीजेन इको स्पोर्ट्स और टर्बो के साथ 3 गियर मोड दिए गए हैं। मॉडल की टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है। TN95 स्पोर्ट में 130 से 150 किलोमीटर की माइलेज मिलती है और एडवांस TN95 स्पोर्ट्स में 150 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर की माइलेज मिलती है। बैटरी चार्जिंग की बात करें तो नई बैटरी के साथ चार्जिंग का टाइम अब 4 से 5 आवर के बीच है। नए फीचर से खासकर फायर रेजिस्टेंट बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी को पहले की कंपेयर में काफ़ी सिक्योर किया गया है। अदर फीचर्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में डुअल डिस्क ब्रेक दिया गया है और बिना चाबी के कंट्रोल के लिए एक की फोब के साथ आता है। मैन्युफैक्चर पैकेज के हिस्से के रूप में एडिशनल स्टोरेज और फुटरेस्ट और एक फुल बॉडी गार्ड भी दिया जा रहा है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर मेटल ग्रे और चेरी रेड कलर में अवेलेबल होगा। इसके साथ ही इसमें LED DRL डुअल LED हेडलैम्प पार्किंग असिस्ट क्रूज कंट्रोल रिवर्स असिस्ट और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनरोड कॉल फंक्शन के साथ ऑनबोर्ड नेविगेशन एक साउंड सिस्टम और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें मिलती है और इसका सीधा कंपटीशन ओला S1 प्रो एथर 450X बजाज चेतक और विदा V1 प्रो से कंपटीशन होगा। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।